जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड्स, आज का प्रेडिक्शन है मिथुन राशि अगस्त 2022। आने वाला नेक्स्ट मंथ आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपका जो ग्रह परिस्थिति है वह कुछ इस प्रकार है। इस मंथ के अंदर जो शुक्र है वो आपकी राशि के अंदर है और शुक्र का जो भ्रमण है वो 6 अगस्त तक है, और उसके बाद जो शुक्र चलेंगे आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर कर्क राशि के अंदर, तो लव मैटर में आपको सक्सेस देने वाले हैं। सेकंड नंबर में सूर्य चल रहे हैं धन भाव के अंदर, और ये जो प्लेस है आपका धन स्थान है, यहाँ पर सूर्य थोड़ा एग्रेसिव रिजल्ट देंगे और ख़ास करके जो पारिवारिक सदस्य है उनके साथ आपका वाणी में संयम बरतना जरूरी है, क्योंकि शनि ऑलरेडी अष्टम स्थान में यहाँ पर जो है ये सूर्य और शनि दोनों आमने सामने हैं, और जिसके कारण क्या होगा, पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो सकता है, तो ये सब बारे में केयर करना होगा। और सूर्य 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चलेंगे पराक्रम स्थान में आपके साहस भुवन के अंदर, यानी कि थर्ड हाउस के अंदर, तीसरे स्थान के अंदर, ये जो तीसरा स्थान है, तो यहाँ पर आपके जो सूर्य है वो बहुत शुभ फल देने वाले हैं। 16 अगस्त के बाद आप नए साहस करेंगे, नए साहस में आपको लाभ रहेगा, आपको अपने ब्रदर सिस्टर जो हैं वो भी आपको कुछ हेल्प करेंगे, तो आपके नेबर्स हैं उनकी ओर से भी कुछ हेल्प मिल सकती है, तो साहस आपका इम्प्रूव होता है और साहस में आपको सफलता भी मिलेगी। बुध ग्रह जो है इसका ट्रांजिट कुछ इस प्रकार है। बुध जो है वो 31 जुलाई को सिंह राशि के अंदर भ्रमण करते हैं, यानी कि पराक्रम स्थान के अंदर चलेंगे। बुध का भी भ्रमण जो है बहुत शुभ है 20 अगस्त तक, और 20 अगस्त के बाद बुध चलेंगे चौथे स्थान के अंदर कन्या राशि में, तो ये जो आपका सुख स्थान है यहाँ पर बुध का फल भी बहुत शुभ है। ये एक प्रकार से भद्र योग करते हैं, जो उच्च प्रकार का मकान जमीन वाहन सुख आपको देने वाले हैं। प्रॉब्लम थोड़ा केतु का है, पंचम स्थान में जो केतु चल रहे हैं ये विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं। विशाखा नक्षत्र जो है ये खास करके मिथुन राशि के अंदर जिनका भी जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है ये जातकों के लिए शुभ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन बढ़ाने वाले हैं, खास करके संतान रिलेटेड आपका चिंता टेंशन बढ़ सकता है, पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए भी पंचम स्थान दूषित है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है ये 10th एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न, यहाँ से लेकर यहाँ पर आप गिनो तो 10वां नंबर का खाना होता है, क्योंकि ये अष्टम स्थान है जो शनि यहाँ पर है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से गिनते हैं 8, यहाँ से 1 गिनते हैं, ये 8 नंबर का खाना है, 10वीं दृष्टि आपको गिननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पर है, जो आपके संतान भाव के अंदर है, प्रणय संबंधों के स्थान के अंदर है, और आपको ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने वाली है लव मैटर के बारे में भी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं आपके लाभ स्थान में, तो मंगल की भी सीधी दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ेगी पंचम स्थान के अंदर 7वीं दृष्टि, और मंगल भी 10 तारीख तक है यहाँ पर, और 10 तारीख को मंगल भी परिवर्तन करके चलेंगे 12वें स्थान के अंदर आपके 12th हाउस में, तो ये जो आपका 12वां स्थान है 2 नंबर जो लिखा है, और यहाँ पर मंगल का फल शुभ नहीं है 12वें स्थान के अंदर, क्योंकि ये जो है वो कोर्ट कचहरी एक्सपेंसेस
जेल गमन, विदेश गमन, ये सब कुछ 12वें स्थान से देखा जाता है। तो एब्रोड ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, और कुछ गड़बड़ वाले कुछ काम किए हैं तो कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है। तो जब तक मंगल इसमें है वृषभ राशि के अंदर, आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत केयरफुल रहना है, खास करके कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आप संकट में पड़ो। और मंगल का जो भ्रमण है वो वृषभ के अंदर 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक हैं। 16 अक्टूबर तक मंगल वृषभ राशि में चलने वाले हैं, तो मिथुन राशि वाले तमाम जातकों को रेड अलर्ट दे सकते हैं, खास करके कोर्ट कचहरी, पुलिस मैटर, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, घर के अंदर दवाखाना का खर्चा भी आ सकता है मंगल 12वें स्थान में होने के कारण। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल प्रयोग है। आपको गाय को एक रोटी के अंदर थोड़ा सा सफ़ेद तिल, थोड़ा सा पका हुआ राइस जो भात बोलते हैं हम खाते हैं, और थोड़ा सा गुड़ 50-100 ग्राम जितना, ये मिक्स करके आप गाय को खिला दीजिए। कम से कम 4 से 5 गाय को खिलाएं मंगल ग्रह की शांति के लिए, जब तक मंगल इसमें है वृषभ राशि के अंदर। रोज 5 गाय को खिलाने का ये प्रयोग करें मंगल ग्रह की शांति के लिए। यदि आपका सूर्य भी मिथुन राशि के अंदर है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है, जन्म के सूर्य भी आपके मिथुन राशि में है, यानी कि यहाँ पर लिखा है सूर्य मिथुन राशि में, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के चंद्र भी मिथुन राशि में हैं तो प्रेडिक्शन तो आपके लिए है ही है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है मिथुन राशि में, तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से ये प्रेडिक्शन अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में। टेक केयर फ्रेंड्स, अपना और अपना परिवार का सबका ख्याल करें, और कोई भी काम ऐसा ना करें कि आप संकट में पड़ें। गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय रणछोड़।